कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। क्लास 9 की उर्दू की बुक से मैं आपको आज पढ़ाऊंगी फर्स्ट चैप्टर उसका, जिसका नाम है अखलाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कह सकते हैं। हमारे प्यारे नबी की हालात ज़िंदगी, जो कि हमें उनकी ज़िंदगी गुजारने का जो तरीका था, वो हमें भी अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए एक बेहतरीन नमूना है और हमें अपनी ज़िंदगी में वो शामिल भी करना चाहिए ताकि हम भी एक अच्छे और सच्चे इंसान बन सकें। सो ये जो चैप्टर जिसने लिखा वो कौन है, इसके राइटर कौन है, वो है मौलाना शिबली नौमानी। तो हम पहले मौलाना शिबली नौमानी के बारे में पढ़ते हैं ताकि जब अपना चैप्टर समझें और पढ़ें तो हमें पहले क्लियर होना चाहिए कि इस ये लिखा किसने और वो क्या थे और क्या करते थे। तो आइए, मौलाना शिबली नौमानी की विलादत जो है 1857 में हुई, इनकी वफात 1914 में हुई, ठीक है। अच्छा, मौलाना शिबली नौमानी का नाम जो है वो इतना बड़ा है, इसके बारे में क्या है। इनका नाम जो था वो मोहम्मद शिबली था, इनका नाम मोहम्मद शिबली था। उनको खिताब दिया गया था शम्सुल उलमा का, शम्सुल उलमा का। इनके वालिद का नाम था शेख हबीबुल्लाह। आजमगढ़ हिंदुस्तान में ये पैदा हुए थे। इन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम वहीं से, उसके मदरसे से ही हासिल की थी। इब्तदाई तालीम, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा भी है, इब्तदाई तालीम आजमगढ़ के मदरसे से हासिल की। ये एमसीक्यूज़ में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प देने वाले हैं क्योंकि ये छोटे छोटे से पॉइंट्स ही पूछे जा रहे होते हैं एमसीक्यूज़ में। अगर आप अच्छे तरह से इसको समझोगे और पढ़ोगे तो आपका आपके ना माइंड में बैठ जाएगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। वालिद का अच्छा, इनके वालिद का नाम था शेख हबीबुल्लाह, ठीक है। ठीक है, सुल्तान ने आपको तमगा मजीदी अता किया, मतलब तुर्की के जो सदर थे, बहुत बड़ी बात है कि इनको तमगा मजीदी जो है वो अता किया था, इनको इनके काम से खुश होकर। अच्छा, ये कहाँ कहाँ गए, इन्होंने कहाँ कहाँ से इल्म हासिल किया। ये मिस्र गए, तुर्की गए, रोम और शाम के सफ़र किए इन्होंने। किताब खानों से मवाद हासिल किया जिससे इन्होंने अपनी अलग अलग किताबें लिखी, बहुत ज़्यादा मालूमात हासिल की और इन्होंने हमारे लिए भी बहुत से चैप्टर्स लिखे जिसमें मैं आपको बताती हूँ। देखें, इन्होंने तसनीफ़ कौन कौन सी लिखी हैं, अलमामून, सीरत फारूक, अलगजाली, सवाना मौलाना रूम, मकालात शिबली और सीरत नबी, जो अभी हमारा सबक है। अच्छा, इन्होंने ये क्या क्या थे, ये शायर थे, अदीब थे, फ़लसफ़ी थे, कानून दान थे, माहिर तालीम, आलम दीन और मौरख थे। तो इस सबक में हज़रत आयशा फरमाती हैं कि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी को भी बुरा भला नहीं कहते थे। अगर कोई इंसान उनसे बुराई करता आके या किसी को बुरा कहते तो वो दरगुजर कर दिया करते थे और उस अगले इंसान को भी फरमाते थे कि इनकी बातों को दरगुजर करो और माफ़ करना सीखो। माफ़ करने से क्या होता है, अल्लाह पाक भी हमें पसंद करता है, हमारे गुनाह भी कम होते हैं और बहुत सारे इसके फ़ायदे भी हैं। और हमारे प्यारे नबी हमेशा हर इंसान को एक जैसा समझते थे, भले बड़ा हो छोटा हो। इनफैक्ट वो जानवरों के साथ भी अच्छा सलूक करते थे। आजकल हम क्या देखते हैं कि रोड पे जो है वो अगर कोई जानवर वगैरह हो तो हम उसको ऐसे ही कह देते हैं कि यार इसको साइड पे कर दो, अक्सर बच्चे उसको मार भी देते हैं, इस तरह का होता है। तो हमें ये सब कुछ नहीं करना चाहिए, हमें अपनी ज़िंदगी में हमारे प्यारे नबी के जो ज़िंदगी गुजारने के तरीके हैं ना, उनको ही अपनी लाइफ में शामिल करना चाहिए। और इसी तरह से छोटी छोटी बातें अगर हम करेंगे अपनी लाइफ में तो हमारे लिए तो अच्छा है ना कि हम भाई हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बताए हुए उसूलों पर चल रहे हैं। और इसी तरह सबके साथ अच्छे तरीके से पेश आते थे। हमें इन्हीं बातों को चाहिए कि हम अपने बच्चों को जो है वो स्टोरी बुक्स के अलावा भी ऐसे सच्चे वाक़यात की कहानी बताएं जो हमारे सहाबाए कराम पर लिखी गई हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम अपने बच्चों को बताएं ताकि उनका दिमाग जो है ना वो थोड़ा इस्लाम की तरफ और दीन की तरफ भी आए और वो इसमें दिलचस्पी लें, ठीक है। जज़ाकअल्लाह स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सबको समझ में आया होगा। समझ में आया है तो आप लोग